नमस्कार, मैं पूर्वी गावड़े, आपका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अब होगा तेज तरार खबरों का आगाज, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीते 24 घंटों में 9 और बच्चों की मौत के बाद यहां मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। 9 में से 2 बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस के कारण हुई। अस्पताल के डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि ज्यादातर बच्चों को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक टीवी कार्यक्रम में जेडीयू के महागठबंधन से अलग होने पर शुक्रवार को कहा, आप एक नीतीश कुमार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं 100 लालू, 100 अखिलेश और 100 शरद यादव के बारे में सोच रही हूं। ममता ने कहा कि 2019 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा। चीन से जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश में उनकी पहली यात्रा पर 21 अगस्त को लद्दाख जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी ने बताया कि कोविंद इस एक दिवसीय दौरे में सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को भारतीय सैनिकों द्वारा लद्दाख में चीनी घुसपैठ को नाकाम करने की खबरें आई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और कश्मीर की समस्या का समाधान 2022 से पहले होकर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जातिवाद और संप्रदायवाद को समाप्त करना चाहती है और इंसान जब तक इंसान को इंसान नहीं मानेगा तब तक यह खत्म नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की उस गौशाला के मालिक और बीजेपी नेता हरीश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जहां भुखमरी और दवाइयों की कमी के कारण 3 दिनों में 200 गायों के मारे जाने की खबर है। वर्मा ने कहा कि गायों की मौत के लिए वह जिम्मेदार नहीं है, बल्कि गौशाला के लिए 10 लाख सरकार पर बकाया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार को कहा कि सभी आतंकियों को मार देने से कश्मीर समस्या हल नहीं होगी। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मारे गए हर एक युवक के बदले 10 नए युवक खड़े होंगे। 57 दिनों से नजरबंद मीरवाइज ने कहा कि कश्मीर में समस्या दमन खत्म होने तक बनी रहेगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि एक समय था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सम्मानित नेता थे, लेकिन अब वह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका इस तरह गुट बदलना आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी नैतिकता को कुचल दिया है, वह एक कमजोर मुख्यमंत्री बन गए हैं। स्पेन के बार्सिलोना और कैम्ब्रिल्स में हुए आतंकी हमलों के संबंध में पुलिस द्वारा मारे गए 5 संदिग्ध आतंकियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक 5 संदिग्ध आतंकी मोरक्को के थे और इससे ही बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन बुधवार को अलकनार शहर में हुए धमाके में इनकी योजना खराब हो गई। तेज तरार खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते इस छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आपका न्यूज। हम किसी से डरते नहीं, खबरों से समझौता कतई नहीं, बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान, खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर, देखते रहिए हमारे साथ आपका न्यूज। ये आपका न्यूज चैनल यहाँ पर जो 15 अगस्त से आपने शुरू किया है, पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया जाए, ना कि मीडिया के नाम पे धब्बा बने, क्योंकि आज मीडिया के बारे में समाज में जिस प्रकार की भावना निर्माण हो रही है उस भावना को यहाँ पर हमें सुधारना चाहिए और समाज में जिस प्रकार की तकलीफ है उसको प्रशासन के सामने, शासन के सामने लाने का काम करना चाहिए। मैं इस शहर का मेयर होने के नाते आपका जो चैनल है इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपसे समाज हित की जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी खबरें हैं वो बिनशर्त वहाँ पर दिखाई जाए।
आपका न्यूज़ चैनल की शुरुआत हुई है 15 अगस्त से, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र की सारी खबरों की ये पता चलने वाला है। मैं ये चाहती हूं कि ये न्यूज़ चैनल जो है वो बहुत ही निष्पक्ष भाव से ये चैनल चलाएँ और सारी जो न्यूज़ हैं, जो सारी खबरें हैं वो हम तक पहुँचाएँ। बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हम तक आते हैं। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोने में महाराष्ट्र के आप पहुंचे और जो भी वहां कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो सारी जनता तक पहुंचाएं। मैं नेत्रा शिर्के नगर सेविका हूं नवी मुंबई की, नेरुल से, और मैं मेरी तरफ से और मेरे वार्ड के सारे नागरिकों की तरफ से आपका न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आपका न्यूज़ चैनल है हिंदी चैनल है, पण याच्यावर नागरिकांच्या समस्या, नागरिकांचे हिताचे प्रश्न दाखवले जातात। खूप चांगल्या प्रकारचं हे चॅनल आहे आणि पुढे भावी वाटचालीसाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देते। तुमचं चॅनल असंच नावारूपाला यावं हेच माझे शुभेच्छा आहे। मी आज नया चॅनल चालू हो रहा है आपका न्यूज़, उसके लिए भी उद्घाटन के लिए शुभेच्छा देता हूँ। आपका न्यूज़ जो ये चैनल आज शुरू हुआ है उसके भविष्य के लिए भी जो है मैं शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका जो न्यूज़ चैनल नया जो ओपन हो रहा है इस समय पर, इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे ही आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से सामाजिक, शैक्षणिक और सभी राजकीय स्तर पर लोगों के विकास के लिए अच्छा काम करें और न्यूज़ चैनल से अपने विभाग के लिए, विकास के लिए आप भी प्रयत्नशील रहें। हम उम्मीद रखते हैं कि आपके चैनल से, कि आपका चैनल आम आदमी का चैनल होना चाहिए, लोगों की सुख, लोगों का जो दर्द है, सुख दुख है, उसमें सहभागी होकर जनता का आईना बनना चाहिए। इसी तरह से इस चैनल काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। फिर एक बार मैं आपके ये चैनल को, न्यूज़ नए चैनल को, आपका न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। जो आपका न्यूज़ है मैं आपको बताऊंगा, ये सच आपके सामने रखेगा और कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा उसको पूरी ताकत से उठाएगा कि जब तक सिस्टम को, मतलब हम चाहेंगे कि सिस्टम इसका मतलब दखल ले और जो हम जो अन्याय अत्याचार उसको तुरंत उस पर मतलब अंकुश लगाए, इसलिए हम चाहेंगे कि अपना न्यूज़ ये तत्पर रहेगा। आपका ये न्यूज़ है उसको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप बहुत गरीब लोगों से और अमीर लोगों तक आपका ये चैनल चलता रहे और जो सही न्याय है वो आपका चैनल अच्छे तरह से सही न्याय देगा, ये मुझे पता है। आपका न्यूज़ के सभी दर्शकों को राहुल वालंज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपके न्यूज़ को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये भी चाहूँगा कि इस चैनल के जरिए अच्छी खबरें लोगों तक जाए और सच्ची खबरें लोगों तक पहुँचा के अच्छे समाज निर्माण में ये चैनल अपना सहयोग दे। मैं इस चैनल की तरक्की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका न्यूज़ ये नया चैनल चालू हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो सही न्यूज़, जो रियल न्यूज़ है, वो न्यूज़ को पेश किया जाए, प्रसारित किया जाए ये माध्यम से, और ऐसे ही उनका आगे फ्यूचर में, फ्यूचर ब्राइट है। अगर न्यूज़ अच्छी चलाए, अच्छे अच्छे न्यूज़ लाए, जो रियलिटी है वो दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ चैनल आगे आगे एक शिखर पे, एक मंजिल तक पहुंच जाएगा, और मैं ये शुभकामनाएं उनको देता हूँ। जय हिंद। आपका न्यूज़ इस चैनल का उद्घाटन हो रहा है, इसे हमें आनंद हो रहा है। आपका चैनल को हमारी तरफ से आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका न्यूज़ अपना चैनल शुरू करने जा रहा है, तो उन्हीं के लिए 15 अगस्त के दिन हम पुलिस विभाग से शुभेच्छा प्रदान करते हैं। हम किसी से डरते नहीं, खबरों से समझौता कतई नहीं, बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान, खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर। देखते रहिए हमारे साथ आपका न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर तेज तरार खबरों में आप सभी का स्वागत है। अब एक नजर देश प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। गूगल के हेट स्पीच नीति के उल्लंघन को लेकर सोशल नेटवर्किंग ऐप गैप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। एप्पल ने इन्हीं कारणों से जून में इसे ऐप स्टोर से हटाया था। बतौर रिपोर्ट्स, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित यूजर्स गैप का इस्तेमाल करते हैं। गूगल ने इस मामले में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। डोंबिवली में दिन दहाड़े अपहरण जैसी आश्चर्यजनक घटना घटी। रिक्शा में अकेली महिला को देख रिक्शा चालक उससे गलत रास्ते पर लेके जाने लगा। इस पर उस महिला को शक हुआ और वह शोर मचाने लगी। महिला को चिल्लाता देख रास्ते पर जा रहे युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए उसका पीछा किया और महिला को उसके चुंगल से छुड़ाया। शंकर विश्लावत नामक उस ड्राइवर के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर मानपाड़ा पुलिस ने उसे अपने हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर महानगर में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस पर विशेष शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें जोधपुर महानगर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा गांधी मैदान से प्रारंभ होकर कुंज बिहारी मंदिर तक चली। इसमें कार्यकर्ताओं के साथ ही झांकियों को देखने के लिए शहर के तमाम आम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विश्व हिंदू संघ के कार्यकर्ता ने इस दौरान कई तरह के हैरत में डाल देने वाले करतब भी दिखाए। खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री योगेश यादव की अनुमति से जिला कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह कोल्लू ने अशोक सोऊ को लूड़ी विधानसभा अध्यक्ष खेलकूद प्रकोष्ठ नियुक्त किया है। तेज तरार खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे खेल और मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों का। देखते रहिए आपका न्यूज। हम किसी से डरते नहीं, खबरों से समझौता कतई नहीं। बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान। खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर। देखते रहिए हमारे साथ आपका न्यूज। ये आपका न्यूज़ चैनल यहाँ पर जो 15 अगस्त से आपने शुरू किया है, पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया जाए, ना कि मीडिया के नाम पे धब्बा बने, क्योंकि आज मीडिया के बारे में समाज में जिस प्रकार की भावना निर्माण हो रही है उस भावना को यहाँ पर हमें सुधारना चाहिए और समाज में जिस प्रकार की तकलीफ है उसको प्रशासन के सामने, शासन के सामने लाने का काम करना चाहिए। मैं इस शहर का मेयर होने के नाते आपका जो चैनल है इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपसे समाज हित की जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी खबरें हैं वो बिनशर्त वहाँ पर दिखाई जाए। आपका न्यूज़ चैनल की शुरुआत हुई है 15 अगस्त से, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र की सारी खबरों की ये पता चलने वाला है। मैं ये चाहती हूं कि ये न्यूज़ चैनल जो है वो बहुत ही निष्पक्ष भाव से ये चैनल चलाएं और सारी जो न्यूज़ हैं, जो सारी खबरें हैं वो हम तक पहुँचाएँ। बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हम तक आते हैं। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोने में महाराष्ट्र के आप पहुँचें और जो भी वहाँ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो सारी जनता तक पहुँचाएँ। मैं नेत्रा शिर्के नगर सेविका हूँ नवी मुंबई की, नेरुल से, और मैं मेरी तरफ से और मेरे वार्ड के सारे नागरिकों की तरफ से आपका न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आपका न्यूज़ चैनल है हिंदी चैनल है, पण याच्यावर नागरिकांच्या समस्या, नागरिकांचे हिताचे प्रश्न दाखवले जातात। खूप चांगल्या प्रकारचं हे चॅनल आहे आणि पुढे भावी वाटचालीसाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देते। तुमचं चॅनल असंच नावारूपाला यावं हेच माझे शुभेच्छा आहे। मी आज नया चॅनल चालू हो रहा है आपका न्यूज़, उसके लिए भी उद्घाटन के लिए शुभेच्छा देता हूँ। आपका न्यूज़ जो ये चैनल आज शुरू हुआ है उसके भविष्य के लिए भी जो है मैं शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका जो न्यूज़ चैनल
न्याय जो ओपन हो रहा है इस समय पर, इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे ही आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से सामाजिक, शैक्षणिक और सभी राजकीय स्तर पे लोगों के विकास के लिए अच्छा काम करें, और न्यूज़ चैनल से अपने विभाग के लिए विकास के लिए आप भी प्रयत्नशील रहें। हम उम्मीद रखते हैं कि आपके चैनल से, कि आपका चैनल आम आदमी का चैनल होना चाहिए, लोगों की सुख, लोगों का जो दर्द है, सुख दुख है, उसमें सहभागी होकर जनता का आईना बनना चाहिए। इसी तरह से इस चैनल काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। फिर एक बार मैं आपके ये चैनल को, न्यूज़ नए चैनल को, आपका न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। जो आपका न्यूज़ है, मैं आपको बताऊँगा, ये सच आपके सामने रखेगा और कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा उसको पूरी ताकत से उठाएगा, कि जब तक सिस्टम को, मतलब हम चाहेंगे कि सिस्टम इसका मतलब दखल ले और जो हम जो अन्याय अत्याचार उसको तुरंत उस पर मतलब अंकुश लगाए, इसीलिए हम चाहेंगे कि अपना न्यूज़ ये तत्पर रहेगा। आपका ये न्यूज़ है उसको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप बहुत गरीब लोगों से और अमीर लोगों तक आपका ये चैनल चलता रहे, और जो सही न्याय है वो आपका चैनल अच्छे तरह से सही न्याय देगा, ये मुझे पता है। आपका न्यूज़ के सभी दर्शकों को राहुल वालंज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके न्यूज़ को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये भी चाहूँगा कि इस चैनल के जरिए अच्छी खबरें लोगों तक जाए, और सच्ची खबरें लोगों तक पहुँचा के अच्छे समाज निर्माण में ये चैनल अपना सहयोग दे। मैं इस चैनल की तरक्की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका न्यूज़ ये नया चैनल चालू हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो सही न्यूज़, जो रियल न्यूज़ है, वो न्यूज़ को पेश किया जाए, प्रसारित किया जाए ये माध्यम से, और ऐसे ही उनका आगे फ्यूचर में फ्यूचर ब्राइट है। अगर न्यूज़ अच्छी चलाए, अच्छे अच्छे न्यूज़ लाए, जो रियलिटी है वो दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ चैनल आगे आगे एक शिखर पे, एक मंजिल तक पहुंच जाएगा, और मैं ये शुभकामनाएं उनको देता हूँ। जय हिंद। आपका न्यूज़ इस चैनल का उद्घाटन हो रहा है, इसे हमें आनंद हो रहा है। आपका चैनल को हमारी तरफ से आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका न्यूज़ अपना चैनल शुरू करने जा रहा है, तो उनके उन्हीं के लिए 15 अगस्त के दिन हम पुलिस विभाग से शुभेच्छा प्रदान करते हैं। हम किसी से डरते नहीं, खबरों से समझौता कतई नहीं, बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान, खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर। देखते रहिए हमारे साथ आपका न्यूज। तो चलिए अब एक सरसराती निगाह डालते हैं खेल और मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर। इंग्लैंड में हो रहे पहले डे नाइट टेस्ट के पहले दिन नाबाद 153 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने बताया है कि वह दिन के आखिरी सेशन में उबासी ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक वह सो जाते हैं। डे नाइट टेस्ट में खेलने पर कुक ने कहा है कि यह अजीब है, पर यह दिमाग से जुड़ा मामला है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अपने पहले वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ 12 रन बनाए थे। इसके बाद कोहली ने 2010 में T20 और 2011 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। कोहली ने अब तक तीनों फॉर्मेट में कुल 14,663 रन बना चुके हैं। लंदन में हुए विश्व चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने देवेंद्र सिंह कांग ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को लेकर खुलासा किया है। कांग ने कहा है, AFI के एक अधिकारी ने मुझसे विश्व चैंपियनशिप से हटने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि IEAAF मेरा परीक्षण करेगा और मुझे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। स्वाइन फ्लू से उबरने के बाद मुंबई के अंधेरी में एक डबिंग स्टूडियो के बाहर पहुंचे आमिर खान की तस्वीरें सामने आई है।
गौरतलब है कि आमिर ने 6 अगस्त को एक कार्यक्रम में वीडियो के जरिए बताया था कि उन्हें और उनकी पत्नी किरण राव को स्वाइन फ्लू हो गया है। आमिर की आगामी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान है। अभिनेत्री रिया सेन ने अपने बॉयफ्रेंड शिवम तिवारी से बंगाली रीति रिवाज से शादी कर ली है। दोनों ने पुणे में परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में यह रस्म अदा की। रिया की बहन राइमा सेन ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर की। अभिनेत्री मुनमुन सेन की बेटी रिया फिल्म स्टाइल और झनकार बीट्स में थी। केरल में अभिनेत्री सनी लियोनी को बड़ी संख्या में देखने आए उनके फैंस की तस्वीर पर एक यूजर्स ने ट्वीट किया है, धर्म ने बांटा, सनी ने एक कर दिया। दूसरे यूजर्स ने लिखा, अगर आप इतने दिल जीत सकती है तो राजनीति आपको बहुत आगे ले जाएगी। सनी के पति डेनियल वेबर ने भी एक मेम शेयर किया है। तेज तरार खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आपका न्यूज।